अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारत में वीरों की और शौर्य की जो गाथाएं हैं वो तो इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है। पर आज हम भारतीय सेना को जिस संगठित रूप में देखते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1790 में द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन आर्मी के नाम से। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। आज इंडिया टॉक्स पे हम बात करेंगे भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास की। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज़ है वीडियोज़ की, जो आपको 26 जनवरी से पहले ऐसे और वीडियोज़ दिखाएगी जो होंगे भारतीय नौसेना के इतिहास के बारे में और भारतीय वायुसेना के इतिहास के बारे में। मॉडर्न भारतीय सेना की शुरुआत हुई थी द ब्रिटिश इंडियन आर्मी के नाम से, जिसे बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रीज की सुरक्षा करने के लिए। 1857 के सिपाही क्रांति के बाद ब्रिटिश राज ने भारत की कमान अपने हाथ में ले ली और इसी के साथ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कमान भी द ब्रिटिश राज के हाथ में चले गई। पहले विश्व युद्ध में करीब 8 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें और 4 लाख बाहर रहते हुए वॉलंटियरिंग का काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पहली लड़ाई भारत के पश्चिमी हिस्से में जाकर के लड़ी। इसके बाद वो और भी कई सारे छोटे बड़े युद्ध में हिस्सा लिए। इसके बाद बारी आती है दूसरे विश्व युद्ध की। 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का टोटल स्ट्रेंथ था 1,90,000 का, जिसके साथ 3,000 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और 1,100 इंडियन ऑफिसर्स थे। पर दूसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए भारत में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसे हाईली एक्सपेंड किया गया और 1945 आते आते ब्रिटिश इंडियन आर्मी का टोटल स्ट्रेंथ हो गया था 25 लाख का, जिसमें 34,500 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और 15,000 इंडियन ऑफिसर्स थे। यानी आज जितनी बड़ी इंडियन आर्मी है उससे भी ज़्यादा बड़ी एक एक्टिव स्टैंडिंग सेना तैयार कर लिया था ब्रिटिशर्स ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और इस सेना से उन्होंने कई सारे कैंपेन्स में हिस्सा लिवाया, जैसे फ्रांस में, ईस्ट अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, सीरिया, ट्यूनेशिया, मलेशिया, बर्मा, ग्रीस और इटली में। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी ब्रिटिशर्स और उनके एलाइज के खिलाफ जो भी तीन बड़े देश थे, इन तीनों से लड़ाई की। यानी जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों की सेना के साथ भारतीय सेनाओं ने लड़ाई लड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत के टोटल 1,80,000 सैनिक घायल हुए, 24,000 सैनिक मारे गए। इसके भी बाद 60,000 सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए, 11,000 सैनिक मिसिंग थे और 80,000 सैनिकों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना करके रख लिया गया, यानी बंदी बना लिया गया। इसके बाद भारत की आज़ादी हो गई और इसके बाद द इंडियन आर्मी का निर्माण हुआ, वो सेना जिसे आज हम अपनी भारतीय सेना के नाम से जानते हैं। द ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें आधा हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया और आधा हिस्सा भारत को। जो पाकिस्तान को मिला वो पाकिस्तान की आर्मी बन गई और जो भारत को मिला वो बन गई हमारी द इंडियन आर्मी। तो आज़ादी के ठीक बाद भारतीय सेना ने जो पहला युद्ध लड़ा वो था पाकिस्तान के साथ, जिसे कहते हैं फर्स्ट इंडो पाक वॉर ऑफ 1947। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज़ादी से लेकर के अब तक भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 बड़ी युद्ध लड़ी हैं और चीन के साथ 1 युद्ध लड़ा है। 1947 के इस युद्ध को फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहते हैं। यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के विवाद की शुरुआत हुई थी, ऐसी विवाद जो आज तक चली जा रही है। युद्ध की शुरुआत 1947 के अक्टूबर के महीने में हुई थी, जब पाकिस्तान के डर से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भाग करके भारत आ गए थे। आज़ादी के बाद स्टेट्स को ये ऑटोनॉमी मिला था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच किसी एक को चूज़ कर सकते हैं या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रह सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रहना चाहता था, पर पाकिस्तान आज़ादी के समय से ही कश्मीर को हड़पना चाहता था। वो चाहता था कि कश्मीर उसके हिस्से में आ जाए, इसीलिए आज़ादी के तुरंत बाद उसने अपने कबायली हमलावर, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के एक सपोर्टिंग ग्रुप थे, जिन्हें आप आज के टेररिस्ट संगठन की तरह भी मान सकते हैं, इन हमलावरों ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, जिसके वजह से महाराजा हरि सिंह को भारत के साथ वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ा जो जम्मू और कश्मीर को भारत का एक हिस्सा मानता था। यानी आखिरकार उन्होंने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर ही दिया कि जम्मू और कश्मीर भी अब ऑफिशियली भारत का हिस्सा है। पर इसके साथ साथ उस समय, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि भारत या पाकिस्तान कश्मीर के साथ कैसा सुलूक करेंगे, इसीलिए कश्मीरियों के हक को बचाए रखने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स या क्लॉजेस भी बीच में डाल दिए थे भारत के साथ मिल करके, जैसे कि आर्टिकल 35 और 370, जो कि अब हट चुके हैं।
जो कश्मीरियों के हक की रक्षा करें, और भारत भी इन्हें देने में बिल्कुल खुश था क्योंकि वो किसी का भी हक छीनना नहीं चाहता था। भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और उसने कबायली हमलावरों पर अटैक किया और उन्हें वहीं पर रोक दिया। भारतीय सेना काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और कबायली हमलावरों के कब्जा किए हुए ज़मीन को धीरे धीरे छुड़ाए जा रही थी। पर 1 जनवरी 1949 की रात के 11:59 पर वहाँ पर एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से। इसके बाद जहाँ तक भारतीय सेना आगे बढ़ पाई थी उस हिस्से को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया और उसके इधर का 2/3 कश्मीर का हिस्सा भारत के पास रह गया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। अब क्योंकि युद्ध खत्म होने तक जम्मू और कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारतीय सेना ने ले लिया था, इसीलिए इस युद्ध के विजेता भारतीय सेना को माना जाता है। पर आज तक ये सवाल उठता आ रहा है कि अगर भारतीय सेना इतने आसानी से जम्मू और कश्मीर पर कब्जा कर सकती थी और वहाँ पर पाकिस्तानी लुटेरों से जम्मू और कश्मीर को आज़ाद करा सकती थी तो आखिर भारतीय सेना को क्यों रोका गया। इसके बाद भारतीय सेना ने जो दूसरा सबसे बड़ा युद्ध लड़ा वो था साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962। 1962 में शुरू हुआ ये युद्ध भारत और चीन के बीच महीनों तक चलता रहा। इस दौरान दोनों में से किसी भी सेनाओं ने एयर या नेवल रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया। चीन ने इस युद्ध में एक तरफा सीज फायर घोषित किया और अपने सैनिकों को प्री वॉर जिस पोजीशन पे वो थे वहाँ पर वापस बुला लिया। इस युद्ध ने हमारे देश के अंदर ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए और इसी ने भारत को मजबूर किया अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करने के लिए जिससे भारत ने अपनी सीमाओं को और सुरक्षित किया और आज इस लेवल तक हम पहुंच गए हैं कि चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान कोई भी हमारे बॉर्डर की तरफ बुरी नज़र से तो नहीं देख सकता है। इसके बाद भारत ने वहाँ पर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश किया जो कि एक इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन बेस होगा जो कि सेल्फ रिलायंट होगा और सेल्फ सफिशिएंट होगा ताकि अगर कोई भी हमला होता है चीन की तरफ से तो उसके पास इतने संसाधन हो कि वो खुद ही चीन से मुकाबला कर सके, यानी इंतज़ार ना करे कि पीछे भारत से कोई सपोर्ट आए बल्कि खुद ही चीन से लड़ने के लिए काबिल हो। इसके बाद 1965 में भारतीय सेना ने लड़ा अपना तीसरा युद्ध और दूसरा इंडो पाक युद्ध यानी 1965 का युद्ध। इस युद्ध की शुरुआत हुई पाकिस्तान के ऑपरेशन गिब्राल्टर के साथ जिसमें पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को जम्मू और कश्मीर के अंदर घुसा दिया जहां से वो भारत को जम्मू और कश्मीर से दूर कर सकें और जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लें। इसके बदले भारतीय सेना ने वेस्टर्न पाकिस्तान यानी आज का जो पाकिस्तान है उसके ऊपर एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक कर दिया। इस युद्ध में दोनों साइड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसने वर्ल्ड वॉर टू के बाद से लार्जेस्ट टैंक बैटल देखा, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद और कहीं पर भी इतना बड़ा टैंकों का बैटल नहीं हुआ था। इसके बाद यूएसए और रूस ने दोनों देशों के बीच इंटरवेंशन किया और दोनों तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया और इसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया ताशकंद जा करके, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा था लेकिन आज वो यूक्रेन में है। भारत ने अपना चौथा युद्ध लड़ा 1971 में पाकिस्तान के साथ। इस युद्ध में उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लीडर थे उन्होंने भुट्टो जो कि पाकिस्तान के लीडर थे उनके खिलाफ विरोध छेड़ रखा था और वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते थे। इसके बाद पता नहीं पाकिस्तान के दिमाग में क्या सनक चढ़ा, उसने भारत के ऊपर एक असफल लेकिन बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया जिसने उसने पाकिस्तान के कई सारे वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद एयर बेसिस के ऊपर हमला कर दिया। पर इसका भारत के ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ, भारत ने अपना पोजीशन बनाए रखा और तुरंत वहाँ से रिटेलिएट किया। भारत ने तुरंत वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वेस्टर्न पाकिस्तान का 15,000 किलोमीटर² का हिस्सा छीन लिया पाकिस्तान से। इसके बाद भारत ने जा करके सीधे ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही पूरे विश्व युद्ध के इतिहासों का सबसे बड़ा सरेंडर देखा गया, यानी 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। जिसके बाद भारत ने 1972 में शिमला एग्रीमेंट पर साइन किया और जो 15,000 किलोमीटर² का ज़मीन पाकिस्तान से वापस छीन लिया था उसे गुडविल और दोस्ती के तहत वापस दे दिया। इसे दोस्ती तो नहीं कह सकते लेकिन कह सकते हैं दया कर दिया पाकिस्तान के ऊपर और उनकी ज़मीन उन्हें वापस दे दी। इसके बाद भारत ने जो पांचवा सबसे बड़ा युद्ध लड़ा वो था 1999 का कारगिल युद्ध और ये भी था पाकिस्तान के साथ। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है
पाकिस्तानी ट्रूप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर घुस करके कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भारत के कई सारे पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया था। भारत ने रिटेलिएट किया और अपने ज़मीन को हड़पे हुए पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था और दुश्मन पहाड़ के ऊपर बैठा था, इसलिए युद्ध इतना आसान नहीं था। पर भारतीय सेना ने धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम किया और 2 महीने के अंदर पूरे इस वैली को, या कह लें पूरे इलाके को, पाकिस्तानी सैनिकों से आज़ाद करवा लिया और अपने ज़मीन को वापस ले लिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को हैवी कैजुअल्टी झेलना पड़ा था, कई सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इसमें अपने नाम को डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और वह ऐसा दिखाना चाहता था कि ये उसके सैनिक नहीं बल्कि कोई हमलावर या दूसरे आतंकवादी संगठन है, इसीलिए उसने इन डेड बॉडीज़ को वापस लेने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद पाकिस्तान के नॉर्दर्न हिस्से में, जहां से ये सैनिक बिलोंग करते थे, वहां पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए और पाकिस्तान को काफ़ी प्रोटेस्ट झेलना पड़ा था। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो हार से इनकार कर दिया था, लेकिन युद्ध के कई महीनों के बाद पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने ये खुद कबूल किया कि 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और पाकिस्तान इस युद्ध को हारा था। इसके अलावा भी भारत ने कई सारे छोटे छोटे युद्ध लड़े हैं, जैसे कि 1967 का चीन के साथ चोला और नाथुला का इंसिडेंट, या फिर 1984 का सियाचिन वॉर, जिसमें भारत ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपनी हिस्सेदारी और हुकूमत जमा ली थी, या फिर और भी कई सारे छोटे छोटे ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, श्रीलंका से LTTE को हटाना। यानी कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय सेना काफ़ी लंबे समय से कई सारे युद्ध लड़ती आ रही है। यानी भारतीय सेना को हम दुनिया के कुछ सबसे एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री फोर्सेस में से एक मान सकते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से देखा जाए तो दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा युद्ध किसी दो देशों ने लड़ा है तो वो भारत और पाकिस्तान ने ही लड़ा है। तो इस युद्ध ने दोनों देशों को काफ़ी मजबूत कर दिया है, और भले पाकिस्तान ने उसका ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं उठाया, लेकिन भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत ने अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया और भारतीय सेना ने भी इन सब चीज़ों से सीख करके खुद को दुनिया की टॉप 4 सबसे मजबूत सेनाओं में से एक बना लिया है। और अगर हम ब्रिटिश राज के ज़माने से ही हिसाब लगाएं तो ना जाने कितने लाखों भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की बलिदानी दी है, और हम सारे देशवासी भारतीय सेना के ऋणी हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अगर सेना के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम सेना को सम्मान तो दे ही सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको वीडियो पसंद आया है, और इसे अपने सारे दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।